नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्विक ज्ञान में। मैं आप तक लेकर आऊंगा वो सारा ज्ञान जो आपके पास होना चाहिए आज के इस टॉपिक के बारे में, लेकिन बहुत ही क्विक और कम समय में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज हम बात करेंगे VA पैनल्स और IPS पैनल्स के बारे में, और आज इस वीडियो में हम देखेंगे इन पैनल्स के बीच के डिफरेंसेस कुछ ऐसी ही प्रैक्टिकल कंपैरिजंस के थ्रू, और साथ ही हम इन पैनल्स का परफॉर्मेंस गेमिंग और ग्राफिक्स सेगमेंट में भी कैसा होने वाला है इन एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे, ताकि दोस्तों अगर आप एक टीवी या फिर मॉनिटर लेने वाले हैं तो आपके लिए कौन सा पैनल सही रहेगा ये आप आसानी से डिसाइड कर पाएं। तो आज मैं ये डेडिकेटेड वीडियो लेकर आया हूँ ताकि काफी आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, और साथ ही आपका टेक्निकल नॉलेज या फिर ज्ञान भी आज इस वीडियो से बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों पहले हम स्टार्ट करते हैं IPS पैनल्स के साथ। तो IPS स्टैंड्स फॉर इन प्लेन स्विचिंग, और वैसे तो इस टेक्नोलॉजी को हिताची ने 1996 में इन्वेंट किया था, लेकिन इन पैनल्स को ये नाम दिया है LG कंपनी ने, और अब यही नाम को बाकी बड़ी कंपनीज यूज करेंगी तो थोड़ा सा उनके ब्रांड की इमेज के लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए सेम पैनल टेक्नोलॉजी को सैमसंग प्लेन टू लाइन स्विचिंग या फिर PLS पैनल्स के नाम से बुलाता है, और वहीं AU ऑप्टोनिक्स इसे एडवांस हाइपर व्यूइंग एंगल या फिर AHVA के नाम से बुलाता है। तो अगर आप अगली बार ये सारे नाम वाले पैनल्स के टीवी कहीं पर देखें तो आप समझ जाए कि ये IPS पैनल की ही बात कर रहे हैं। तो दोस्तों पहले तो हम देख लेते हैं कि ये इन प्लेन स्विचिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो यहाँ दोस्तों इस IPS पैनल में ऊपर एक पोलराइजर होता है, और फिर उसके नीचे एक ग्लास सब्सट्रेट होता है जिसके नीचे लिक्विड क्रिस्टल्स होती हैं, और फिर सबसे नीचे या फिर लास्ट में इलेक्ट्रोड प्लेस किए होते हैं। अब इन लिक्विड क्रिस्टल्स की अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली होती है, जिसकी वजह से इन्हें इन प्लेन स्विचिंग टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो आपको यहाँ पर इन इलेक्ट्रोड्स की प्लेसमेंट सिर्फ एक साइड में, और वो भी सबसे नीचे, और लिक्विड क्रिस्टल्स के हल्के से साइड में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा स्पेस और गैप बन जाता है, और ये सेटअप आगे लाइट कम पास करता है जिसकी वजह से आपको IPS डिस्प्लेस हल्की सी डिम या फिर डार्क दिखाई देंगी। तो अब जैसे ही करंट लिक्विड क्रिस्टल्स के थ्रू पास होता है वैसे ही ये क्रिस्टल्स 90 डिग्रीज रोटेट हो जाती हैं, और ये नीचे से आ रही लाइट को ऊपर की तरफ पास करती हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई बात IPS पैनल टेक्नोलॉजी के बारे में। अब देख लेते हैं कि ये IPS पैनल्स आखिर बने क्यों हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि पहले हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तो IPS से पहले हमारे पास TN यानी कि ट्विस्टेड निमेटिक्स पैनल्स हुआ करते थे, जो कि सामने से देखने पर काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करते थे, लेकिन अगर आप 15-20 डिग्री एंगल से भी अगर इस स्क्रीन को देखें तो आपको बहुत ही खराब पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। यहाँ दोस्तों आपको याद होगा कि ऐसा इशू कुछ साल पहले तक हमारे लैपटॉप्स की स्क्रीन में देखने को मिलता था, और इसी इशू को रिजॉल्व करके सोनी बायो सीरीज मार्केट में काफी पॉपुलर हो गई थी, क्योंकि उनकी स्क्रीन के व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि वो अपने लैपटॉप्स में एक IPS पैनल का यूज करते थे। तो दोस्तों अब आपको पता चल ही गया होगा कि इस व्यूइंग एंगल्स के इश्यू को हटाने के लिए IPS पैनल्स का इन्वेंशन हुआ, और साथ ही IPS पैनल्स में आपको कलर रिप्रोडक्शन भी काफी अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेटर ब्लैक्स रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये IPS पैनल्स भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इन पैनल्स ने कुछ सीरियस व्यूइंग एंगल्स वाले इश्यूज तो टैकल किए, पर साथ ही कुछ और नए इश्यूज भी साथ में ले आए, जैसे कि पुअर रिफ्रेश रेट, लो कंट्रास्ट रेशियो और हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। दोस्तों एक IPS पैनल में आज की डेट में आपको 90% ऑफ द टाइम्स 60 हर्ट्ज तक का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन IPS पैनल्स का रिफ्रेश रेट बढ़ा नहीं सकते। लेकिन दोस्तों हाई रिफ्रेश रेट वाली IPS पैनल्स का कॉस्ट काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल नहीं रह जाती। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि एक VA पैनल क्या होता है। तो VA स्टैंड्स फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट, और इसी टेक्नोलॉजी को सैमसंग कंपनी ने SVA या फिर सुपर वर्टिकल अलाइनमेंट का नाम दिया है, और वहीं AU ऑप्टोनिक्स इसी टेक्नोलॉजी को AMVA यानी कि एडवांस मल्टी डोमेन वर्टिकल अलाइनमेंट का नाम से बुलाती है। और इस VA पैनल टेक्नोलॉजी में भी आपको अगेन वैसा ही सेटअप देखने को मिलेगा, बट विद अ स्लाइट ट्विस्ट, जिसमें आपको ऊपर एक पोलराइजर, उसके नीचे ग्लास सब्सट्रेट और उसके नीचे इलेक्ट्रोड लेयर, फिर लिक्विड क्रिस्टल्स और फिर एक और इलेक्ट्रोड लेयर देखने को मिलेगी। तो आपने यहाँ पर इस सेटअप में आए डिफरेंस को पहचान ही लिया होगा।
कि यहाँ पर डबल लेयर ऑफ इलेक्ट्रोड लेयर का यूज किया गया है। और जब हम करंट पास नहीं करते तो इनिशियल स्टेट में लिक्विड क्रिस्टल्स ग्लास सबस्ट्रेट के बिल्कुल परपेंडिकुलर पोजीशन में या फिर वर्टिकल पोजीशन में होते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम वर्टिकल अलाइनमेंट या फिर VA रखा गया है। और इस वर्टिकल पोजीशन में ये बिल्कुल भी लाइट पास नहीं करती, जिसकी वजह से आपको इन VA पैनल्स में कॉन्ट्रास्ट रेशियो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। पर जैसा ही करंट पास किया जाए तो ये लिक्विड क्रिस्टल्स हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइट पास होने लगती है। इस सेटअप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप काफी कम कॉस्ट में काफी अच्छा रिफ्रेश रेट जनरेट कर सकते हैं, विच इज अराउंड 120 Hz, 144 Hz एंड इवन अप टू 240 Hz। लेकिन दोस्तों, इन VA पैनल्स में भी आपको सब कुछ रिजॉल्व होता नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको IPS पैनल जितने अच्छे व्यूइंग एंगल्स देखने को नहीं मिलेंगे, और साथ ही यहाँ पर IPS पैनल जितने बेटर कलर रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही इन VA पैनल्स का रिस्पॉन्स टाइम भी काफी स्लो होता है, जिसकी वजह से आपको इन पैनल्स में फास्ट मूविंग सीन्स देखते वक्त हल्का सा लैग देखने को मिलेगा, जो कि शायद आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को खराब कर सकता है। दोस्तों, अब तक आपने IPS पैनल्स और VA पैनल्स के ऑपरेशन सेटअप्स और अदर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में जान लिया है, तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली इन दोनों पैनल्स के बीच के डिफरेंसेस को एक्चुअल टीवीज में देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट रेशियो के मामले में VA पैनल्स आपको बहुत ही बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि IPS पैनल्स में आपको एक वॉश्ड आउट ब्लैक कलर स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको IPS पैनल्स में VA पैनल्स के मुकाबले काफी कम ब्लैक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको वॉश्ड आउट ब्लैक कलर IPS पैनल्स में देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को इन IPS एंड VA पैनल्स के टीवीज पर टेस्ट करके देखते हैं, जो कि है व्यूइंग एंगल्स का। तो यहाँ पर हमारे पास है LG के IPS पैनल सपोर्ट करने वाला UB9000 सीरीज टीवी, और साथ ही कंपैरिजन के लिए हमारे पास है Samsung का HU9000 सीरीज, जो कि VA पैनल को सपोर्ट करता है। और अब हम इन दोनों टीवीज को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हर डिग्री ऑफ मूवमेंट के साथ आपको स्क्रीन की क्लैरिटी में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से इन टीवीज की मोशन को देखें तो यहाँ पर आपको काफी क्लियरली डिफरेंस पता चल जाएगा कि LG के IPS पैनल में आपको काफी अच्छा कलर और व्यूइंग एंगल्स देखने को मिलेगा, और वहीं Samsung के VA पैनल्स में आपको हर डिग्री ऑफ एंगल के मूवमेंट के साथ फेडेड या फिर वॉश्ड आउट कलर्स देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था। तो यहाँ पर आपको एक टीवी या फिर स्क्रीन में व्यूइंग एंगल्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और उनका इफेक्ट हमारे व्यूइंग एक्सपीरियंस में कैसा पड़ता है, वो यहाँ पर आपको साफ पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, स्क्रीन के ठीक सामने बैठे पर्सन को साइड में बैठे पर्सन से बिल्कुल अलग पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से शायद एट द एंड ऑफ द व्यूइंग एक्सपीरियंस उन दोनों पर्सन की राय बिल्कुल ही अलग होगी। चलिए दोस्तों, अब हम इन IPS और VA पैनल्स का कंपैरिजन गेमिंग और ग्राफिक्स में कैसे रहेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में LG UK 654K HDR मॉनिटर, जो कि IPS पैनल को सपोर्ट करते हैं, और राइट हैंड साइड में है हमारे पास BenQ EW277 HDR मॉनिटर्स, जो कि एक VA पैनल के साथ आते हैं। और अब हम इन दोनों मॉनिटर्स पर कुछ हाई एंड ग्राफिक्स वाले गेम्स रन करेंगे, ताकि हमें इन दोनों पैनल्स के डिफरेंसेस पता चल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक VA पैनल पर पिक्चर क्वालिटी हल्की सी बेटर देखने को मिलेगी, क्योंकि गेमिंग और ग्राफिक्स में कॉन्ट्रास्ट रेशियो का खास इस्तेमाल किया जाता है फॉर डार्क एंड ब्राइट पिक्सल वेरिएशन, ताकि आपको एक अट्रैक्टिव सीन देखने को मिले। और अब तो हम सब जानते हैं कि VA पैनल का कॉन्ट्रास्ट रेशियो IPS पैनल के मुकाबले बेटर होता है, तो यहाँ पर आपको वही चीज प्रैक्टिकली देखने को मिल रही है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर VA पैनल्स में आप काफी अच्छा रिफ्रेश रेट काफी कम दाम में जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं जैसे कि CS:GO, और आपको अराउंड 100 FPS का रिफ्रेश रेट चाहिए, तो यहाँ पर आप वो वैल्यू काफी आसानी से अटेंड कर सकते हैं और आपको गेम में कोई लैग भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा हाई ग्राफिक्स वाला गेम खेल रहे हैं और उस गेम में कोई फास्ट मूविंग सीन आ जाता है, तो वहां पर आपको VA पैनल्स में एक लैग देखने को मिलेगा ड्यू टू वेरी लो रिस्पॉन्स रेट, जबकि IPS पैनल्स में आपको फास्ट मूविंग सीन्स में ऐसा कोई लैग देखने को नहीं मिलता। चलिए दोस्तों, अब मैं इन स्क्रीन्स पर कुछ और गेम्स चलाकर आपको बता देता हूं, ताकि आप खुद इन स्क्रीन्स के डिफरेंसेस को जान पाएं।
तो दोस्तों एट द एंड अगर हम इन पैनल्स को कंपेयर करें तो TN पैनल्स को आजकल स्पेसिफिकली टीवीज में काफी कंपनीज प्रिफर नहीं कर रही हैं, तो एट द एंड आपके पास दो ऑप्शंस बच जाते हैं जो कि है VA पैनल्स और IPS पैनल्स। तो फाइनल कंपैरिजन में परफॉर्मेंस के मामले में VA पैनल्स लॉन्गेस्ट या काफी स्लो रिस्पांस के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको काफी अच्छा रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा जिसकी वजह से ये गेमिंग के लिए एक आइडियल चॉइस बन जाते हैं। और वहीं IPS पैनल में आपको काफी अच्छा रिस्पांस टाइम देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर काफी कम रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा जिसकी वजह से ये जनरल यूसेज यानी कि टीवी मूवीज और बिंज वॉचिंग के लिए एक आइडियल पिक बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक IPS पैनल का कॉस्ट VA पैनल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है जिसकी वजह से आप काफी सारे लेटेस्ट लॉन्च स्मार्ट टीवीज में एक VA पैनल का यूज होता देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने घर के यूसेज के लिए टीवी ले रहे हैं तो आप IPS पैनल वाले टीवीज लेना प्रिफर कीजिए। तो इसी के साथ आई होप कि VA पैनल्स और IPS पैनल्स के बारे में आपने आज काफी कुछ जान लिया है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।